What's up guys, कैसे हो आप लोग? Welcome to another video on the 23 Rides channel. Today we have the Honda CB500X with us. This is a much awaited bike and bike को on-road, off-road दोनों चलाने के बाद मेरे दिमाग में जो एक वर्ड आता है वो है क्यों? क्यों Honda ने इस bike को 7.7 lakh rupees पे price किया है on-road? इस video में basically हम इस bike की capabilities as a whole समझेंगे और finally ये understand करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा कस्टमर है जो इस बाइक को 7.7 लाख रुपीस ऑन रोड पे खरीदेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. फर्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे CB500X के बारे में वो है एर्गोनॉमिक्स. होंडा की बाइक है तो एर्गोनॉमिक्स हमेशा होंडा की बाइक्स के स्पॉट ऑन होते हैं. एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो एर्गोनॉमिक्स होते हैं आप बाइक पे कैसे बैठते हो और आपकी कैसी राइडिंग पोजीशन आती है. सो इस बाइक की राइडिंग पोजीशन क्योंकि एडवेंचर टूरर है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. आप देखो जिस तरह से मैं बैठा हूँ, मेरी पीठ पूरी सीधी है. अगर मैं हैंडल बार्स को भी पकड़ता हूँ तो एल्बो में एक हल्का सा बेंड आता है जो एडवेंचर टूरर्स में होना चाहिए अगर आपको 12-13 घंटे दिन में बाइक चलानी है. विंडस्क्रीन की हाइट भी इधर काफ़ी अच्छी है. अगर आप हाई स्पीड राइडिंग करोगे 120-130 kmph पे हाईवे पे बाइक को चलाओगे अपने लॉन्ग ट्रिप्स पे तो ये विंडस्क्रीन भी काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगी. नीचे पैरों की पोजिशन देखोगे तो जो पैर हैं डायरेक्टली आपकी बॉडी के नीचे आ रहे हैं. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके पैरों को ना आगे ज़्यादा रहना पड़ता है जो क्रूज़र्स में होता है, जिससे आपकी बैक पे हर गड्ढा फील होता है, ना ये बहुत ज़्यादा पीछे हैं पैर. ज़्यादा पीछे पैर होने से आपके नी में दर्द होना शुरू हो जाता है. तो बेसिकली यहाँ पे आपके पैर बिल्कुल आपकी बॉडी के नीचे हैं. और पैर नीचे होने का एक और फ़ायदा होता है जब आप बाइक को ऑफ रोड कर रहे होते हो और सैडल करते हो तो इस पोजीशन के कारण आपकी जो पैर होते हैं वो भी एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करते हैं. अगर आप सीट की क्वालिटी की भी बात करोगे, जिस फैब्रिक की सीट बनी है अगर आप इसे ध्यान से देखो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक है. एंड अगर मैं इसे अपनी टाइगर से भी कंपेयर करूँ, टाइगर की सीट आई वुड से उसमें मेरे को ना थोड़े थोड़े से स्प्रिंग्स फील होते हैं. मेरा 2017 मॉडल है टाइगर का, सिंगल सीट है, स्प्लिट सीट वाला अरेंजमेंट नहीं है. बट ओवरऑल जो टेक्सचर यूज़ किया है वो काफ़ी एंटी स्लिप वाला टेक्सचर है जिससे आपको बाइक पे आगे पीछे ऐसा सच कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी अगर आप ब्रेक मारो, जो कोई भी राइडर नहीं चाहता. और अगर हम फुटपैक्स की बात करें तो फुटपैक्स इस बाइक के मुझे ऐसा लगता है प्रॉपर रोड टूरिंग के लिए दिए गए हैं. इसके अंदर आगे रबर वाला ऊपर एक पार्ट लगा हुआ है जो ऑफ रोड ओरिएंटेड बाइक्स में नहीं होता. एंड ओवरऑल जो फुटपैक की विड्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी नहीं है. उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ऑफ रोड करते समय जो फुटपैक आपके पैरों के बीच में यहाँ पर स्लॉट होता है ना, उस पर स्टेबल नहीं रहेगा. तो ये एक एज एन एक्सेसरी आपको एड ऑन करवाना पड़ सकता है अगर आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करोगे इस बाइक में, थोड़े से वाइडर फुटपैक लगाने पड़ेंगे. अदरवाइज फॉर ऑन रोड टूरिंग दीज फुटपैक्स आर एब्सोल्युटली फाइन. सो बेसिकली टू सम अप, मेरे हिसाब से एर्गोनॉमिक्स वाइज बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है ये. एंड चिल आउट होके राइड करना हो तो इसका जो राइडिंग पोस्चर है बिल्कुल टॉप नॉच है. मुझे तो फर्स्ट टाइम जब मैं इस पर बैठा था इसमें मेरे को बिल्कुल भी हिंट ऑफ एग्रेसिवनेस नहीं है. बाकी सारी एडवेंचर टूरर्स में ना हल्का सा फॉरवर्ड लीन होता है जिसको ठीक कराने के लिए लोग हैंडल बार राइजर्स लगाते हैं, बट इस बाइक में तो मुझे हैंडल बार राइजर्स की भी कोई ज़रूरत नहीं लग रही. सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बाइक की परफॉर्मेंस. होंडा CB500X 500cc ट्विन सिलेंडर पैरेलल ट्विन इंजन है. इसमें 47 bhp ऑफ पावर बनाता है, 42 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है, जो फिगर्स काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरसेप्टर 650 जैसी लगेंगी और इवन ड्यूक 390 जैसी ये फिगर्स लगेंगे आपको. बट इस बाइक की फील उन बाइक से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है. अगर आप इसकी ओवरऑल रोड परफॉर्मेंस की बात करो, जो आप इस पर राइडिंग करोगे ना काफ़ी स्ट्रेस फ्री राइडिंग होगी. जो इस पूरी बाइक की ओवरऑल थीम है जैसे मैंने कहा काफ़ी बेसिक है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा ये इंजन आपको बार बार कह रहा है कि मुझे और तेज़ भगाओ और तेज़ भगाओ, वाली फीलिंग नहीं आएगी. आप जो भी स्पीड पे चूज़ करो उस स्पीड पे आप आराम से क्रूज़ कर सकते हो. आप 80 पे क्रूज़ करना चाहो, 100 पे करना चाहो, 120 पे भी क्रूज़ करना चाहो, नो इश्यूज़ एट ऑल. सबसे अच्छी बात इस बाइक की ये है कि इसकी मिड रेंज और जो बॉटम एंड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. स्लो
स्लो स्पीड राइडिंग करनी है आपको ट्रैफिक में, तो बहुत ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में टॉर्क मिलेगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। गियर इतनी ज़्यादा आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप थर्ड गियर में हो, फोर्थ गियर में हो, इवन फिफ्थ गियर में हो, तब भी आप 35-40 पे क्रॉल कर सकते हो। सो इंजन ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है इस बाइक की। एंड सिटी राइडिंग की बात कर रहा हूँ तो हीट मैनेजमेंट की भी बात करता हूँ। हीट मैनेजमेंट बहुत ऑसम है होंडा इंजन्स में। 500 सीसी का इंजन बिल्कुल भी हीट नहीं डिसिपेट करता ट्रैफिक में अगर आप खड़े हो। अभी थोड़े दिन पहले मैंने TRK 502 चलाई थी, वो भी 502 सीसी का इंजन है, पैरेलल ट्विन इंजन है बेनेली का, बट उसकी हीट मैनेजमेंट इसके कंपैरिजन में बहुत ख़राब थी। एंड परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइलेज की भी बात कर लेते हैं, और मुझे जो माइलेज मिल रही थी वो इजिली बिटवीन 29-31 किलोमीटर्स पर लीटर माइलेज मिल रही थी, जो 500 सीसी इंजन के लिए काफ़ी अच्छी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सस्पेंशन के बारे में। एडवेंचर टूरर है, ऑन रोड कैपेबिलिटीज़ हैं, थोड़ी बहुत ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ भी हैं, तो सस्पेंशन ऐसी बाइक का अच्छा खासा होना चाहिए जिससे आप कंफर्टेबली सारे टाइप के टेरेन्स पे राइड करें। आगे वाला जो सस्पेंशन है वो नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक्स हैं, पीछे वाला सस्पेंशन मोनोशॉक है जो एडजस्टेबल है। आगे एज सच आपको कोई एडजस्टेबिलिटी मिलती नहीं है, बट सस्पेंशन की जो फैक्ट्री सेटिंग्स हैं वो काफ़ी ठीक ठाक हैं, आपको बहुत ज़्यादा उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल इनफैक्ट मैं इस बाइक को लेके OTR डर्ट पार्क गया था, जहाँ पे एक प्रॉपर ऑफ रोड डर्ट ट्रैक बना हुआ था एंड वहाँ पे प्रॉपर ऑब्स्टिकल्स थे, सो वहाँ पे मुझे बाइक को चलाने में एज सच कोई इशू नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था क्योंकि इस बाइक को ऑफ रोड चलाने के बारे में मेरे काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे, बट जो डुअल पर्पस टायर्स दिए हुए हैं विच आर लाइक 80-20 ऑन रोड ऑफ रोड टायर्स डनलॉप के जो दिए हुए हैं स्टॉक इस बाइक में, वो काफ़ी ठीक ठाक सा ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। जो आपको बाइक मिलती है उसमें एज सच कोई क्रैश प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी आपको, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आई बाइक की वॉज सेटिस्फैक्ट्री एंड मुझे ऐसा लगा इस बाइक से आराम से लद्दाख स्पीति करा जा सकता है। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की 185 mm है, जो डिसेंट है अगर मैं बाकी बाइक से कंपेयर करूँ, वर्सेस की 170 mm होती है, बेनेली की भी अराउंड सेम रेंज में होती है। ऑफकोर्स आपको टाइगर या अफ्रीका ट्विन जैसी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलेगी, बट 180 mm डिसेंट है। अगर आप इस पे दो लोग भी बैठोगे तब भी, अगर बाइक थोड़ा सा भी नीचे जाती है तब भी ग्राउंड क्लियरेंस एडिक्वेट रहेगी आपको ऑफ रोडिंग करने के लिए। एक चीज़ जो इसके अंदर मिसिंग है ऑफ रोडिंग परस्पेक्टिव से वो है राइडिंग मोड्स। अगर आप 7.7 lakhs ऑन रोड की बाइक देख रहे हो, एडवेंचर टूर देख रहे हो, उसमें राइडिंग मोड्स नहीं है, तो आज के ज़माने के हिसाब से वो एक बहुत बड़ा मिस है। एंड राइडिंग मोड्स को भी अलग रखते हैं, इस बाइक में रियर टायर पे ABS भी स्विच ऑफ नहीं कर सकते, विच इज़ ऑल्सो वन वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट ऑफ रोडिंग स्टैंड पॉइंट से। नीचे के अगर आप इंजन पाइप्स देखें वो सारे एक्सपोज्ड हैं, अगर आप हल्के से ऊंचे ऑब्स्टेकल के ऊपर से गलती से निकल गए या ज़्यादा स्पीड से निकल गए तो उसको स्क्रेप करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप बाइक लेते हैं तो आपको डेफिनेटली एक सम गार्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस बाइक में आगे सिंगल डिस्क सेटअप है, 310 mm की ब्रेक है एंड पीछे 240 mm की डिस्क ब्रेक है। जो ब्रेकिंग है ओवरऑल आई वुड से 7 out of 10 है, निसिन के ब्रेक कैलिपर्स यूज़ करे हुए हैं। क्योंकि ये एडवेंचर बाइक है आगे वाली ब्रेक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं बनाया जाता, क्योंकि अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो तो फ्रंट टायर बेसिकली स्लिप आउट होने का चांस होता है, इसलिए मोस्टली एडवेंचर बाइक्स में जो फ्रंट ब्रेक होती है आपकी कंपेयर टू रोड बाइक्स थोड़ी सी वीक बनाई जाती है। अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये भी काफ़ी बेसिक है, वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। नेगेटिव LCD डिस्प्ले है जिसमें आपका एक गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, रेव काउंटर है, यहाँ पे स्पीड आती है, एवरेज दिखा रहा है 33.5 किलोमीटर्स पर लीटर ऑन रोड, रियल एवरेज जैसा मैंने कहा मुझे अराउंड 30 मिल रही है। ट्रिप मीटर्स हैं दो और नीचे दो सिंपल बटन्स हैं, एक बटन से बेसिकली आपका यूनिट्स वगैरह चेंज होते हैं, टाइम आ रहा है सारा, और दूसरे बटन से आप अपने ट्रिप्स को सेट करके ज़ीरो कर सकते हैं। नथिंग मोर फैंसी हेयर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ABS मिलता है एज स्टैंडर्ड, और जैसा मैंने पहले बताया कोई राइडिंग मोड्स नहीं है। टोटली सिंपल अप्रोच फ्रॉम होंडा विच विल बी फंक्शनल एंड लॉन्ग लास्टिंग। सो नेक्स्ट अप लेट अस टॉक अबाउट द सर्विस कॉस्ट फॉर द होंडा CB500X। अब होंडा की बाइक है, इसकी सर्विस कॉस्ट सबको पता है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स काफ़ी सस्ती होती है। फर्स्ट सर्विस होती है इसकी फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स पे जो स्टैंडर्ड है, उसके बाद हर सर्विस आपकी हर 6 months के बाद होगी, तो एवरेज जो सर्विस कॉस्ट आती है आपकी वो आती है अराउंड 3000-3500 rupees पर सर्विस। इनिशियल जो 3 services होंगी आपकी उसके अंदर लेबर कॉस्ट कोई नहीं लगती, बट उसके बाद जो आपकी 4th service होगी एंड उसके बियॉन्ड जितनी भी सर्विसेज होंगी हर 6 months में उसमें लेबर कॉस्ट लगेगी, जिसके बाद आपकी सर्विस कॉस्ट आ जाएगी मैक्सिमम अराउंड 4000 rupees एवरी 6 months।
अगर ये सर्विस कॉस्ट देखें हम इन कंपैरिजन टू बाकी सारी ब्रांड्स जो भी हैं उसके कंपैरिजन में ये सर्विस कॉस्ट काफ़ी कम है। साथ में अगर सर्विस पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात करें, होंडा में मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आपके इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, तो एज सच आपको सर्विस पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर ख़राब होती है, टूटती है, अगर तो पार्ट इंडिया में अवेलेबल होता है तो आपको मिल जाता है, बट अगर इंडिया में अवेलेबल नहीं होता तो ट्रायंफ के केस में वो यूके से आता है, कावासाकी के केस में वो जापान वगैरह कहीं से भी आता है, तो उसमें एक डेढ़ महीना आपको अपनी बाइक को सर्विस स्टेशन पे छोड़ना ही पड़ता है। सो नेक्स्ट अप लेट अस टॉक अबाउट द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस मशीन। ट्विन सिलेंडर बाइक है, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि इसका एग्जॉस्ट नोट सिंगल सिलेंडर बाइक से काफ़ी डिफरेंट होगा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका एग्जॉस्ट नोट ना थोड़ा सा सिमिलर लगा CB350RS जो होंडा की आती है सिंगल सिलेंडर बाइक उससे। इसके एग्जॉस्ट नोट में एज सच कोई ऐसा एक्साइटिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ऐसा कोई एक्साइटिंग साउंड नहीं है जो आपको पुश करे राइड करते समय। लेट्स गो 3, 2, 1 गो। इनिशियल पंच इज ओके but the vibrations are definitely there. So finally अब हम बात करते हैं सबसे important part की, जो है इस bike की cost। मेरे हिसाब से इस बाइक की कॉस्ट अराउंड 5-5.5 लाख ऑन रोड होनी चाहिए थी, बट जो प्राइस होंडा ने निकाला है 7.7 लाख ऑन रोड इन दिल्ली, आई थिंक दैट इज़ लाइक 2-2.5 लाख मोर एक्सपेंसिव देन एवरीबडी वॉज एंटिसिपेटिंग। सब लोग सोच रहे थे होंडा की 500X बाइक आएगी एंड सब लोग वो बाइक खरीदेंगे। अगर आपको इस बाइक को ख़रीदना है तो जैसा मैंने कहा इसकी ऑन रोड प्राइस इन दिल्ली इज़ 7.7 लाख रुपीज़। इसके लिए आपको इनिशियल जो डाउन पेमेंट सबसे मिनिमम देनी पड़ेगी वो है 90,000 ऑड रुपीज़, वो आपका डाउन पेमेंट हो जाएगा जिसमें आपकी सब चीज़ें इंक्लूड होंगी। एंड उसके बाद अगर आप 5 साल का लोन लेते हो तो इस बाइक की EMI आपको अराउंड 14,500 रुपीज़, मैक्स 15,000 रुपये के करीब आपको इसकी EMI पड़ेगी। सो टू कंक्लूड, मैं अपने आप से वही क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ कि क्या मेरा वो कन्फ्यूजन कि ये बाइक कौन खरीदेगा इंडियन मार्केट में सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। एंड आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज फीचर्स मुझे लगता है कि वो कन्फ्यूजन थोड़ा सा सॉल्व हुआ है। इसका आंसर बिल्कुल भी कन्वेंशनल आंसर नहीं है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये बाइक ऑपरेट करती है 7.7 लाख ऑन रोड, इसका कंपटीशन बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट्स में है। आपको 8.1 लाख ऑन रोड में कावासाकी वर्सेस 650 मिल जाती है, जो एक मच मोर केपेबल मशीन है, बट उसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज इस बाइक के सामने थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसका 19 इंच फ्रंट व्हील है और कावासाकी वर्सेस का 17 इंच फ्रंट व्हील है। ऑल्सो इस बाइक का जो टैंक वाला एरिया है काफ़ी थिन है, जिससे आपको इसकी सीट हाइट इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। बहुत अप्रोचेबल बाइक है कंपेयर टू कावासाकी वर्सेस। मैं 6 फीट का हूँ, मेरा आराम से पैर आता है इस बाइक पे, फ्लैट फुट कर सकता हूँ दोनों साइड पे, बट अगर आपकी हाइट 5'7" 5'8" भी है तो आप बहुत इजीली इस बाइक पे फ्लैट फुट कर सकते हो और ऑफ रोडिंग कर सकते हो। इसके नेक्स्ट सेगमेंट पे देखें तो आती है सुजुकी V-Storm 650, जो 9.5 लाख रुपये ऑन रोड आती है बाइक, बट सुजुकी V-Storm 650 एक नेक्स्ट लेवल बाइक है, तो अगर आपका उतना बजट है तो डेफिनेटली वो ही खरीदी है। बट इसके नीचे सेगमेंट में देखें तो TRK 502 है, जो मैंने थोड़े दिन पहले रिव्यू करी थी, विच आई फेल्ट वॉज अ वेरी डिसेंट बाइक, बट उसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ कुछ खास नहीं है, तो ये बाइक उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। बट अगर आप उससे एक सेगमेंट और नीचे जाएं TRK 502 से और देखें ADV 390 एंड GS 310 BMW की, ये दोनों बाइक्स बहुत कुछ ऐसा कर सकती हैं जो ये बाइक भी करेगी, बट वो जो गैप है बीच में 4 लाख का, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा वो क्यों गैप रखा है होंडा ने। सो टू कंक्लूड, मुझे ऐसा लगता है ये बाइक लिटरली एक सलमान खान मूवी की तरह है, जो उसके लॉयलिस्ट फैंस हमेशा देखने जाते हैं इरिस्पेक्टिव वो मूवी कैसी हो। तो अगर आप होंडा के लॉयलिस्ट हैं, बहुत टाइम से होंडा की बाइक यूज़ करते हैं, मे बी शायद आप इस बाइक को कंसिडर करो और जो उसका 2 लाख वाला जो प्रीमियम है ना उसको इग्नोर कर पाओ, बट अगर आप होंडा लॉयलिस्ट नहीं हैं देन आपको इस बाइक को चूज़ करने में ना बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। आप डेफिनेटली किसी और ऑप्शन के साथ चले जाओगे, मे बी 6 महीने वेट करोगे, 1 लाख रुपये और इकट्ठे करके कोई बेटर बाइक ले लोगे, या आप ADV 390 से अपना काम चला लोगे। सो ये सबसे बड़ा इशू फेस करेगी होंडा इस बाइक के साथ इंडियन मार्केट में। 7.7 लाख का जो प्राइस टैग है, अगर उसे वो एडजस्ट नहीं करती 1-1.5 लाख से, तो ये बाइक कुछ ज़्यादा खास बिकने नहीं वाली है। सो दैट इज़ माई कंक्लूजन फॉर द CB 500X एंड दोज आर माई पर्सनल ओपिनियंस। अगर आपका कुछ और ओपिनियन है डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करके बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना 23 Rides चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज। बाय बाय।